watch more videos, please subscribe Wosm Entertainment and ring the bell for the notification. ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚੈਨਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਰਦ ਕੋ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੂਮਾਂ ਮਚਾਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਆਓ ਮਾਰਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ਼ਾ ਕੁਝ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਣੇ ਲੱਗਿਆ ਤਬ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੈ ਭਾਈ but yeah, after that I spent so much time with Wasan sir and spoke about what Surya is and how I should develop into Surya. So we went around nine months of hardcore training. Uske pehle mujhe martial arts nahi aata tha. So 3 hours in the morning with everyone and then 3 hours main ghar jaake shaam ko bhi training karta tha. 6 hours of martial arts every day. Physical training rehti thi, biology, human anatomy, physical rehab because Surya can fix himself. To wo bahut seekhne ko mila. And last 3 months jo the shoot ke pehle I went into isolation so I used to be with Wasan sir and only my trainers I want to tell you why but aapko picture dekhni padegi actually pehle jab 4 baar mila tha mujhe pata nahi tha ki who's son he is or where does he belong to aur tabhi wo rickshaw mein hi aata tha fir jab select hua uske baad fir audio mein मुझे बोला एक्शन फिल्म ठीक है तो मेरे माइंड में था टाइगर श्रॉफ ऋतिक रोशन लंबा चौड़ा क्या क्या मैंने बोला ये सब तो ठीक है सर पर हीरो कौन है मुझे बुली करती थी किया क्या तुमने लाइफ में कम से कम मैंने 1.5 साल तक टेलीविजन तो किया है तुमने क्या किया और ये बेचारा ऐसे की नहीं मैं असिस्ट करता था ये करता था वो करता था 4 महीने बाद मैंने साइन कर ली कॉन्ट्रैक्ट 4 महीने बाद इसके घर पे रीडिंग होती है ये ऑटो में ट्रैवल करता था मेरे साथ में तो मैं इसको बोलती घर छोड़ दूँ क्या करूँ घर छोड़ नहीं नहीं मैं ऑटो में बनू ठीक है घर पे रीडिंग हुई तो मुझे लगा चल ठीक है घर पे है तो मैं घर के बाहर आई तो मैंने पहले पूछा ये तेरा घर है गाड़िया ही गाड़िया कोठी मैंने बोला चल अमीर होगा रीडिंग चल रही थी रीडिंग खत्म हुई मैं जूते पहन रही थी इसके पापा वापा सब मिलने आए कुछ नहीं मतलब मैंने कुछ सोचा नहीं जूते पहने थे सामने फोटोज लगी थी तो भाग्यश्री जी की फोटो थी तो मुझे लगा वो जैसे फैन बॉयज नहीं होते कि स्टार्स के सामने से लगा लेते हैं मैंने बोला मनु क्या है कौन है मैंने बोला शी इज माय मॉम मैंने बोला तो भाग्यश्री जी का बेटा है मैं स्टार किड के साथ लॉन्च हो रही हूं तब मुझे पता लगा कि ओके सो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो दैट तो इससे पता लगता है कि अभिमन्यु में कितना एटीट्यूड है और कितना वो पैसा शो ऑफ करता है और कितना बड़ा स्टार किड है थैंक यू गुलशन व्हाट लेड यू टू साइन दिस प्रोजेक्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर ये है कि आई लाइक वासन आई बिलीव इन हिज स्टोरी आई बिलीव इन हिम मुझे बहुत अच्छा लगता है कभी कभी समझ में नहीं आता कि क्यों इतना अच्छा लगता है हम लोग बहुत गहरे दोस्त भी नहीं है लेकिन फिर भी जब वासन बुलाता है तो अंदर से एक इच्छा होती है कि चलो कर लेते हैं और मुझे पता था कि वासन काफ़ी टाइम से इस फिल्म को लेकर जूझ रहे थे जो बनाने की कोशिश में थे और उसके बाद कुछ आइडिया नहीं था क्या हो रहा था मेरी एक एक्सीडेंट हुई थी नी सर्जरी हो गई थी तो दो जब वासन मिला उससे 2 महीने पहले मैंने सर्जरी करवाई थी और पूरे साल की छुट्टी ले ली थी मैंने कि कोई काम नहीं करूँगा रिहैबिलिटेशन करूँ क्योंकि काफ़ी सीरियस इंजरी हुई थी तो वासन आया और वासन ने कहा कि ये फिल्म है तुमको करना नहीं चाहिए लेकिन कर लो क्योंकि कराटे फाइट करना है डबल रोल है 2 भाई है जुड़वा भाई का रोल है एक कराटे फाइटर है मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं आई थिंक इट वॉज द राइट डिसीजन आई डोंट नो बट आई थिंक इट्स जस्ट समटाइम्स यू जस्ट कांट से नो टू सम पीपल आई थिंक देयर इज नो एक्सप्लेनेशन इट जस्ट सीम्स लाइक इट्स द राइट थिंग फॉर यू टू डू तो वासन्स ऑफर वाज वन ऑफ दोस वासन सर
इंडिया रिलीज से पहले फिल्म इंटरनेशनल फिल्म सर्किट्स में जा चुकी है, अवार्ड जीत चुकी है, तो उससे कोई प्रेशर ऐड होता है फॉर इंडियन रिलीज? हाँ, प्रेशर तो होता है, सबको लगेगा बोरिंग सी स्लो सी फिल्म होगी, तो इसलिए बार बार बताना पड़ता है कि नहीं ये तो कॉमेडी है, मतलब थोड़ा दिल लगा के देखो तो टोटल धमाल भी दिख जाएगा। तो हाँ, मतलब फेस्टिवल में अच्छा ये लगता है कि रास्ते में जब मैं और राधिका चलता हूँ तो लोग मुझसे मिलते हैं, राधिका से नहीं, और यहाँ तो कोई भी नहीं मिलता, मतलब राधिका को शायद इस लेन में मिलते होंगे, बालाजी के लेन है तो नहीं, फेस्टिवल जाने में बहुत बड़ा मजा आता है, पर उसको इंडिया में आके फिर मार्केट करने में थोड़ी तकलीफ हो जाती है कि ये मतलब, बट इट्स एन एक्शन कॉमेडी विच इज एविडेंट, सो या। और सर मेरा सवाल अभिमन्यु और सबसे था कि ये जो लाइन है मर्द को दर्द नहीं होता, इससे पहले फिल्म आई थी मर्द अमिताभ बच्चन सर का, उसमें उनके सीने में लिखा हुआ था मर्द, तो मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द के सीने में दर्द नहीं होता, बट ये जो लाइन है मर्द को दर्द नहीं होता, इससे क्या वास्तविकता लीगल में और फिल्मी में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली जो अमिताभ बच्चन जी ने कहा था, वो कहा था कि जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता, तो उसके बाद हम हमारे जहन में घुस गए कि उन्होंने कहा था मर्द को दर्द नहीं होता, तो उन्होंने ऐसी कोई लाइन है ही नहीं, तो इसमें हाँ मतलब ये तो लिटरल है क्योंकि जो कैरेक्टर है उसे दर्द नहीं होता और वो लड़का है, तो इट वाज लाइक अ लिटरल, हाँ वो एक ख्याल है, ये रियलिटी है, जैसे राम गोपाल वर्मा की फिल्म बनी गाया, सवाल करते यार जर्नलिस्ट को, बदनाम प्रसाद कपूर गाया थे, ऐसी बोल रहा हूँ, तो इसलिए ना, और ऑब्वियसली बिकॉज इट इज एन एक्शन फिल्म जो कि 80s 90s से बहुत इंस्पायर्ड है, जहाँ पे मैंने फिल्में देखी हैं, जैकी चैन से लेके अमिताभ बच्चन से लेके अजय देवगन से लेके इवन हेमंत बिर्जे जिन्होंने टार्जन बनाई थी, मतलब हम हर तरह की फिल्में देखते हैं जो एक्शन वाली थी, तो ऐसे कोई टाइटल चाहिए था और ये काफ़ी फिट बैठ रहा था। राधिका, आप टीवी लाइफ से कितना अलग देखती हैं फिल्मी लाइफ को? जी काफ़ी डिफरेंस है, बिकॉज टेलीविजन में मुझे नहीं लगता आपको कैरेक्टर के ऊपर इतना टाइम मिलता है यू नो स्टडी करने के लिए या उसकी लेयर्स और जानने के लिए, बिकॉज रात को टेलीकास्ट है, जल्दी शूट करो, तो मुझे एक इंसिडेंट हमेशा याद रहेगा कि मैं सर के पास गई और मैंने बोला सर आपको नहीं लगता है इस कैरेक्टर में ऐसा होना चाहिए क्योंकि उसके साथ ये हुआ था, एंड आई वाज जस्ट मतलब इतने पैशन के साथ उनके साथ डिस्कस करी थी, और ना बस ऐसे ऐसे घूम रहे थे कि शूट करें, तो मेरे पास आए कहते थे बेटा जब आप मूवी करेंगे ना तब दो तीन दिन बैठ के इस सीन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, अभी ना टेलीकास्ट भेजना, so that is the main difference between television and movies where I can discuss one scene with him for a week and I have that kind of liberty and I have that kind of time, so that is one major difference. Gulshan ji, aap jis tarah ki acting karte hain to apni koi tips diya aapne is newcomer ko Abhimanyu ya Radhika ji ko? Wo paise diye the unhone to maine madad kar di taraf se kafi sara, matlab dono Rais khandan se नहीं, एक्चुअली हम लोग ट्रेनिंग साथ में करते थे और मैं जब पहला दिन मैं इन लोगों से मिला, बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही मतलब अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया था इस प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने, तो वो मैंने देखा, तो मुझे कुछ टिप्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हाँ, एक आध दिन कोई लेट आया तो मैं एक बार किसी को मैंने डांट दिया था थोड़ा सा प्राइवेटली, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक जब आप देखते हैं इनको कोई सलाह की ज़रूरत नहीं है तो मैं देने की कोशिश नहीं करता। आई थिंक बहुत ही तैयार और बहुत ही प्रिपेयर्ड है दोनों, फिजिकली मेंटली ऑल्सो अपने काम को लेके बहुत तैयारी की है उन्होंने और टैलेंटेड भी हैं, तो मैंने सिर्फ एंजॉय किया इन दोनों के साथ काम करने का, बस एंजॉयमेंट रहा। हमें पूरी पेमेंट रखवा दो गुलशन की गाड़ी में, पूरी पेमेंट नहीं, नहीं बहुत सीखने को मिला गुलशन सर से। हां, जीएसटी भी लगवाया। ओके, अभिमन्यु जी, राधिका जी, आपका फेवरेट एक्शन हीरो? सिंपलिसिटी के साथ ऐसा छोड़ दिया वहां पे। सर आपसे भी पूछना चाहूंगा मैं, आपका एक्शन हीरो मतलब फेवरेट, ऐसा बचपन से था सुपर हीरो मेरे को क्रिएट करने का है, कुछ करना है जो यहाँ बना दिया? तो था ही बचपन से ऑब्वियसली जैकी चैन की सारी जो सारी स्टंट्स हैं जो देख के हम लोग तो आज भी मतलब कोई नहीं कर पाता वो, ऑब्वियसली। सो दैट्स व्हाई वी हैव
What is going in the decision process, and were you not nervous ki aise hi films milenge? Of course it's a good film because we watched it last year, but जी जब मैं ऑडिशन देने जाती थी उस टाइम पे क्या होता है, बेगर्स कांट बी चूजर्स, ठीक है, तो जो भी मिल रहा होता है ना ले लेते हैं. तो जब ये फिल्म, मैं तो लैला मजनू के लिए ऑडिशन देने गई थी एंड ये फिल्म बस मेरे पास आ गई. एंड जब मैंने रीड करी स्क्रिप्ट तब मुझे लगा कि मुझे करनी है, मैं कैसे करूँगी मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे एक्शन में इंटरेस्ट नहीं है, बट मेरे को करनी थी. सो आई डिडंट चूज दिस फिल्म, इट चोज मी. मतलब मुकेश को मैंने बोल दिया था कि भाई ये लड़की को तो भेजेगा नहीं, इम्तियाज अली को तो मिल जाएंगी, मेरे को नहीं मिलेगी. सो इट इज नॉट इन माय हैंड्स टू बी वेरी ऑनेस्ट. पटाखा, पटाखा के लिए ऑफ कोर्स आई ऑडिशन एंड एवरीथिंग. पटाखा हो गई, मर्द को दर्द नहीं होता हो गई, इन दोनों से मुझे ये समझ में आया कि जब मैं प्लान करती हूँ चीजें तो वो बहुत ही बकवास होती है, बट जब यूनिवर्स मेरे लिए प्लान करता है तब वो अल्टीमेट होता है. सो बी इट मर्द को दर्द नहीं होता, बी इट पटाखा, आई थिंक I've just lucked out with both of them, and I'm so, so, so grateful. Hello, my name is Sandeep and I'm from Hindustan Times. My question is to Mr. Bala. Sir, the fact that this movie is based on a congenital disease, CIPA, whenever we see movies based on diseases for that matter, they meander towards the modeling, they meander towards the soppy and very sentimental side. Was there any consideration that you kind of thought of making this film into a comic kind of a caper? मतलब जब पहली बार जब मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी इसके बारे में तो इट वाज एवरीथिंग व्हाट यू सेड, बट देन आई ऑलवेज वांटेड टू मेक अ फिल्म लाइक शे लाइफ इज ब्यूटीफुल, जिसमें आप होलोकॉस्ट के बारे में बता रहे हो पर यू नो यू आर शोइंग इट इन अ वेरी डिफरेंट वे. तो एंड आई वाज वेरी श्योर कि ये तो कॉमेडी होगी क्योंकि पिछली बार एक फिल्म बनाई थी थोड़ी डार्क सी होगी, इसने देखी नहीं, तो ये तो कॉमेडी होनी थी. मतलब कॉन्जेनिटल होती, कैंसर होती, मुझे नहीं, मतलब it would have been a film that would have gone beyond the condition and celebrated the human spirit. राधिका अभिमन्यु, नितिन जी को जानते हैं आप, बड़े ही मतलब प्रगतिशील और निरंतर इतने सालों से लगे हुए हैं, बड़े ही प्रतिभावान और वाक्पटु, चतुर और बुद्धिमान हैं और आज के उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ उद्घोषक और संचालक हैं, मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट हैं आप आज के समय में, बधाई आपको. आप टीवी से फिल्मों में आई, जो आप काम अब कर रही हैं उनमें कल कई एक्ट्रेसेस को बहुत समय लग जाता है जो एक्शन सीन्स या प्रोजेक्शन, दीपिका हुई या और भी लोग हुए, पर आपको दूसरी फिल्म में मिल रहा है, आपको लगता है ये आपकी और इम्पैक्टफुल कर देगा इमेज हिंदी सिनेमा में? जी मैं इतना ना सोचती नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैंने, और ये मेरी दूसरी नहीं, मेरी पहली फिल्म है एक्चुअली, पटाखा वॉज माई फर्स्ट फिल्म, पहले रिलीज हो गई थी, बट आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे पहली मूवी में ही मौका मिल गया कि जा एक्शन कर फुल ऑन. बट मैं इतना नहीं सोचती कि अब ना मैं ये प्रोजेक्ट करूँगी तो मेरी ये इमेज बन जाएगी, ऐसे नहीं कर सकती हूँ मैं. सो आई एम जस्ट डूइंग वॉट एवर इज कमिंग टू मी एंड वॉट एवर माई कार्ट इज सेइंग यस टू, एंड या दैट इज इट. और एक्ट्रेसेस भयभीत हो जाएंगी आपसे, आपको लगता है ऐसे? भयभीत मैं हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है. इसके बारे में मैं कुछ कहूँ, राधिका ने इस फिल्म में जो किया है ना, है इसके मतलब टैलेंट के, इसके बराबर टैलेंटेड लोग हैं इंडस्ट्री में, बट राधिका ने इस फिल्म में जो किया, आई डोंट थिंक एनीवन कैन. थैंक यू. अभिमन्यु, व्हेन योर मॉम डेब्यूट, इट वाज अ हिस्टोरिक मोमेंट, और उस तरह की लोकप्रियता और उस तरह का डेब्यूट शायद ही कभी किसी को मिला. आपको लग रहा है कि ये फिल्म शायद आपको उतनी ही उस वैसी हो पाएगी आपके लिए? आप लोग मेरे को भाग्यश्री दी एक्ट्रेस का बेटा बुलाकर बहुत ज्यादा क्रेडिट देते हो. I don't deserve that credit. Her as an actress has achieved so much, even 30 years from the day of the release. You and when I travel abroad also, people remember her as Suman and her character has lived for 30 years. I'm just scratching the surface. I'm trying to make my own mark, standing on my own two feet. So, thoda sa pyar mil jayega, to bahut hai. And at the end of the day, I want to make my mother proud.
दस बीस तीस साल बाद कोई मॉम को देख के बोलेगा वो अभिमन्यू की मॉम है तो मैं खुश हो जाऊंगा. ऑल द बेस्ट टू यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. कौन सी ऐसी चीज है जो जहन में आते ही दर्द होता है? ट्रेनिंग के बारे में सोचते हो बहुत फील गई हूँ बहुत मेहनत किया. अभिमन्यु कौन सी चीज जब जहन में आते ही दर्द होता है? किस चीज को सोच के सबसे ज्यादा दर्द होता है? कि इसके बाद मैं वासन सर को कभी मतलब मिलूंगा. आई स्वेयर लाइक आई स्पेंड सो मच टाइम विद वासन सर इन द लास्ट थ्री इयर्स दैट आई बीन विद हिम और मैंने उनसे इतना 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 कुछ सीखा है. तो आई गिव हिम ऑल द क्रेडिट एनीथिंग दैट दिस फिल्म डज फॉर मी और हैज ऑलरेडी डन फॉर मी इंटरनेशनली. इट्स बिकॉज ही बिलीव्ड इन मी दैट आई स्टार्ट बिलीविंग इन माई सेल्फ एंड एट द एंड ऑफ द डे ही इज सेव माय लाइफ. वेल अगर तुसी भी अजे तक यह फिल्म नहीं देखी तो यही कहांगे कि एक बार जरूर देख के आओ ता जो तहानू ही पता चले कि मर्द नु दर्द हुंदा है कि नहीं हुंदा. इट्स वाओ. इट्स ऑसम. इट्स वॉसम एंटरटेनमेंट.